रविवार को दुर्ग जिले में संचालित सीबीएसई बोर्ड पर चलने वाले स्कूलों के प्राचार्यों की आपसी मुलाकात हुई। इस मुलाकात समारोह का आयोजन केएच मेमोरियल स्कूल की संचालिका विभा झा द्वारा किया गया। इस समारोह में सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर के श्रीनिवासन शामिल हुए। विगत दो वर्ष कोरोना महामारी ने इस कदर कहर मचाया कि सभी काम धंधे ठप पड़ गए, परंतु इस बीच विद्यार्थियों को शिक्षा दान देने का कार्यक्रम लगातार चलता रहा और कोरोना काल में भी शिक्षकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई और इन सभी शिक्षकों को विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना, ऑनलाइन परीक्षाएं करवाना और विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति रुचि बनाए रखने में स्कूल के प्रिंसिपल का अहम योगदान रहा, जिसे देखते हुए केएच मेमोरियल स्कूल की संचालिका श्रीमती विभा झा द्वारा दुर्ग जिले के सीबीएसई स्कूलों के सभी प्रिंसिपल को एक दूसरे से रूबरू होने का मौका प्रदान किया गया। प्रिंसिपल मीट कार्यक्रम के दौरान सीबीएसई के आरओ श्री के श्रीनिवासन विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए। उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार कर अपनी उपस्थिति इस गरिमामय कार्यक्रम में दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रिंसिपल ने बारी बारी से पुष्पगुच्छ देकर श्री के श्रीनिवासन का स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। उपस्थित स्कूलों के प्रिंसिपल ने अपने अपने उद्बोधन में स्कूल द्वारा किए गए कार्यों की रूपरेखा रीजनल ऑफिसर के समक्ष रखी, जिसके प्रत्युत्तर में सीबीएसई के आरओ श्री के श्रीनिवासन ने सभी के कार्यों को दिल से सराहा और प्रिंसिपल की जिम्मेदारियों की तरफ इशारा करते हुए आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छी तरह निभाने के लिए बेहतर दिशा निर्देश दिए। श्री के श्रीनिवासन मीडिया से रूबरू होकर दुर्ग जिले के सभी प्रिंसिपल की सराहना करते हुए सीबीएसई की पढ़ाई को बेहतर बताया और सीबीएसई के रिजल्ट जल्द घोषित होने की जानकारी दी। सो टुडे एक्चुअली वी हैड अ प्रिंसिपल्स मीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टर्म टू एग्जामिनेशंस फॉर द दुर्ग भिलाई डिस्ट्रिक्ट वेयर 76 स्कूल्स आर देयर एंड मोर देन 50 प्रिंसिपल्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस मीट टुडे। सो इट वाज अ गुड ओकेशन सो टू शेयर व्यूज एंड फीडबैक्स रिगार्डिंग द टर्म वन टर्म टू एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय सीबीएसई। So my best wishes to all the students and all the schools in Durg Bhilai district. Thank you. Sir, COVID के बाद स्कूल खुले हैं, क्या स्ट्रेटेजी है सीबीएसई की क्वालिटी एजुकेशन को लेकर? अभी तो हम लोग एक्चुअली नॉर्मल के पास पहुंच रहे हैं, सो वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। सो इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर होपफुली एवरीथिंग विल बी नॉर्मल एंड वी विल बी गोइंग अहेड in terms as we had the pre-COVID time. Sir, ये education hub कहलाता है, आप पूरे region को देखते हैं, भिलाई को कैसा देखते हैं? यहाँ पे भी आपने देखा होगा, यहाँ पे education देखा होगा, और किस तरह के सुधार और अभी लाने कुछ? अभी तो actually भिलाई तो education hub है, इधर का schools बहुत मेहनत से काम कर रहा है, सो बच्चों का अच्छे तरह प्रिपेयर कर रहा है। सो मुझे ये भी सुनने में आया एक्चुअली इधर से बच्चों लोग एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा पद पे पहुँचे हैं। सो ये तो दुर्ग भिलाई इज डूइंग वेल एक्चुअली, आई होप नो द सेम गुड स्टैंडर्ड्स विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। सर रिजल्ट का बारे में किसी बारे में? अभी रिजल्ट का तैयारी चल रहा है, सो आएगा जल्दी आ जाएगा। सो उसको नोटिफिकेशन भी एक्चुअली नोटिफिकेशन थ्रू मिलेगा। सो अभी एक्चुअली मीडिया में या बाकी कुछ मीडियम में जो भी रूमर्स आते हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान मत दीजिए। सो जो भी कम्युनिकेशन है वो सीबीएसई वेबसाइट के थ्रू आपको दिया जाएगा, सो उसी को मान के आप चलना है। सो रिजल्ट का तैयारी तो हो जा रहा है, बहुत जल्दी से रिजल्ट भी आ जाएगा। केएच मेमोरियल स्कूल की संचालिका एवं कार्यक्रम की आयोजक विभा झा ने भी इस कार्यक्रम में सीबीएसई के आरओ श्री के श्रीनिवासन के उपस्थित होकर उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को भविष्य के लिए बेहतर बताया। साथ ही डीपीएस भिलाई के प्रिंसिपल श्री प्रशांत वशिष्ठ ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार जताया। और ये भिलाई में पहली बार अलोंग विथ आरओ सर 76 स्कूल के प्रिंसिपल मिले थे और ये बहुत बड़ा मीट था। एज ए डी सी मैंने प्रिंसिपल को प्रॉमिस किया था बिकॉज दिस टाइम ड्यू टू कोरोना बहुत हैक्टिक था एग्जाम, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म वो लॉट ऑफ नोटिफिकेशन, पासवर्ड आता था, पेपर 15 मिनट में निकालना था, फिर उसको प्रिंट करना था। मतलब प्रिंसिपल ने और टीचर्स ने इतना मेहनत किया कि मैं उनको देख के अचानक बोली मैडम नो प्रॉब्लम वी हैव टू डू द हार्ड वर्क एंड आफ्टर दैट वी सेलिब्रेट एज ए पार्टी। तो मैं वही प्रॉमिस को निभाने के लिए मैंने ये डेट फिक्स किया क्योंकि अभी एग्जाम ओवर हो चुके थे, थोड़ा रिलैक्सेशन था, अभी सेशन भी बहुत फ्लो में स्टार्ट नहीं हुआ था। तो दैट्स आई प्लान कि वी हैव टू सेलिब्रेट
टुडे एंड ऑल प्रिंसिपल मुझे बहुत कोऑपरेट किए एंड एवरीवन गैदर हियर बिकॉज टुडे संडे आल्सो सो नोबडी एवरीवन विल स्पेयर द टाइम एंड स्पेशली आरओ सर मैंने उनको एक बार परमिशन लिया बोले ओके मैडम नो प्रॉब्लम आवर प्रोग्राम इज ऑन एंड आफ्टर दैट ही रेडी टू कम और एवरीवन विल हैव टू गैदर एंड सेलिब्रेट दिस फंक्शन वेरी नाइसली होप हम हर साल ऐसे प्रिंसिपल मीट करें और इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रिंसिपल को हम देखे भी नहीं थे ओनली बाय नेम ओनली वी नो एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बाय नो नेम ओनली आई नो सो इन दैट वे वी वन टू वन हम मिले वी हैव टू शेयर आवर फीलिंग्स सेव आवर प्रॉब्लम्स और रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम कोई दिशा निर्देश देंगे सर आज सर दिशा निर्देश यही दिए कि स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है टीचर्स छोड़ के चली जाती है देन आफ्टर दे सीनियर सी एन एस होते हैं एग्जामिनेशन इंचार्ज होते हैं दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम तो आप उनको बोलिए कि आप जब कम से कम यू हैव टू कम्प्लीट द एग्जामिनेशन देन ओनली गुड होने मेरे स्कूल थोड़े से द अपॉर्चुनिटी के लिए दे आर गोइंग सो टीचर्स का भी एक अपना रूल होना चाहिए एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल टीचर्स दे हैव टू फॉलो द रूल एग्जामिनेशन हम सी बी एस ई स्कूल में काम करें वी हैव टू वेरी फील वेरी प्राउड कि वी आर वर्किंग इन द सी बी एस ई स्कूल कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत अच्छा है और आर ओ सर के अंडर गाइडेंस में हम सर 1200 स्कूल को अपने लीडरशिप को चलाते हैं और हमें डेली डेली उनसे मैसेज आता है मैडम यू डू लाइक दैट बहुत सारे वेबिनार स्टार्ट किए हमने इस बार बहुत अच्छा एक और काम किया हम जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है हमने पूरे सी बी एस ई स्कूल का एक सर करवाया मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि हम करेंगे और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एनुअल एग्जाम आए तो अगर हम भिलाई में इतनी पोटेंशियल है हमारे भिलाई के प्रिंसिपल में आप जानते हैं कि यहाँ का रिजल्ट अच्छा सब कुछ अच्छा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रॉब्लम नहीं बस पेरेंट्स को थोड़ा सा अपडेट होने की जरूरत है आई रिक्वेस्ट टू योर कि पेरेंट्स प्लीज़ यू हैव टू सेंड योर चिल्ड्रन न्यू सेशन स्टार्टेड और बड़े जोश से काम कीजिए न्यू सेशन अवश्य थैंक यू मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विभाजा मैम है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है बेसिकली ये उनके एफर्ट से पॉसिबल हो पाया जैसा मैंने पहले कहा कि विभाजा मैम और मेरे संबंध जो है ऑलमोस्ट 31 ईयर्स हो गए पूरी फैमिली के साथ संबंध है तो ये काफ़ी अच्छी होस्ट है मतलब बहुत ही बढ़िया कभी भी किसी को बुलाया है तो इनका एक होस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है और ये कोशिश करती हैं हमेशा सबको साथ लेके चले तो विवाह जहाँ मैम को बड़ा थैंक यू कि उन्होंने हम सबको गौरतलब है कि बीते कोरोना काल का असर जहां हर वर्ग हर समुदाय पर पड़ा परंतु विद्यार्थी वर्ग को निरंतर शिक्षा प्राप्त होती रही जिसमें स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित प्रिंसिपल का अहम योगदान देखने को मिला और यह शिक्षा प्रदान करने का सिलसिला अनवरत चलता रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।